वेलकम बैक एवरीवन। लकी वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इंस्टॉल करेंगे हमारे एक ओल्ड पीसी में ये एसएसडी। ईवीएम की तरफ से आने वाला ये एसएसडी है, ठीक ठाक एसएसडी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन है। 256 GB का है। तो ये है हमारा पीसी जिसमें हम इस एसएसडी को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि इसमें बाकी स्पीड का कोई भी इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। तो ये जो पीसी है अभी फिलहाल हार्ड ड्राइव से रन कर रहा है। तो इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास एक पुराना पीसी है जो हार्ड ड्राइव में विंडोज़ रन कर रहा है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक एसएसडी इंस्टॉल करें और कोई भी दुकानदार के पास ना जाए, अपने घर पर ही बैठ के करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित होगा। तो आपको एक सर्विस चार्ज तो पे करना ही पड़ता है। तो एसएसडी का प्राइस जो है अभी कम है, तो अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो इस वीडियो का देखिए पूरा, आप खुद ही से इंस्टॉल करके अपने जो विंडोज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी को ही क्लोन करके इस एसएसडी में डाल सकते हैं। आज हम वो भी देखेंगे, हम नया विंडोज़ नहीं डालेंगे इस एसएसडी में, हम जो हमारा हार्ड ड्राइव में पुराना जो विंडोज़ चल रहा है अभी उसी को ही हम क्लोन करेंगे। तो फटाफट इसे आप पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन जो है बहुत ही सिंपल है, देखते रहिए। तो एसएसडी जो है इंस्टॉल करने के लिए आपको इस तरह का एक सेटा केबल का ज़रूरत पड़ेगा, आप इसे अलग से परचेस करना पड़ता है क्योंकि ये एसएसडी के साथ नहीं आता है। तो हम इसे खोल लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सील है जिसे हमें ब्रेक करना है, तो हम इससे पहले इस सील को काट लेते हैं। सील काट लिया हमने, यहाँ पे सीरियल नंबर जो मेंशन है और साइज। तो ये जो है एसएसडी है ब्लैक कलर में, सिंपल सा पैकेजिंग है और प्रोटेक्शन ठीक ठाक है। ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड। 5 ईयर्स का वारंटी इसमें मिलता है आपको। तो अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने ले लिया एक सेटा केबल और इसे पीसी में बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना। तो यहाँ ये जो पोर्ट है, यहाँ पे ये जो सेटा केबल है यहाँ का एक तरफ ऐसे लग जाएगा। ये हो गया लॉक और आपको मदरबोर्ड में सेम ऐसे ही कनेक्टर आपको मिलेगा जिसे साटा पोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और ये जो है ये पावर जो आपका एसएमपीएस है पावर सप्लाई, वहाँ पे आपको ये कनेक्टर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एसएमपीएस में ये कनेक्टर है तो इसे लगाना पड़ेगा। तो ये अभी कनेक्ट हो गया और फिलहाल के लिए मैं इसे अभी बॉडी पे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे लगाएंगे, पहले लगा लेते हैं। तो एसएसडी लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह का स्क्रू का ज़रूरत पड़ेगा जो आपका कैबिनेट के साथ ही आता है। अगर आपका पास नहीं है तो आप मार्केट से इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों एसएसडी जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो विंडोज़ है अभी इस कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल है तो स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने एक दोबारा दूसरा मोबाइल ऑन कर लिया और हम पावर बटन को दबाते हैं। तो मैंने पावर बटन को दबा के स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लिया। ओके, देखते हैं कितना टाइम लगता है विंडोज बूट होने में। तो विंडोज बूट होने में लगभग 28 सेकेंड लग गया हमें और हम इसे अब शट डाउन करते हैं और देखते हैं कि शट डाउन में कितना टाइम लगता है। ओके, तो हमने रिसेट कर लिया। यहाँ पे अभी तक इसका कर्सर नहीं आया। ओके, आ गया। तो हमने अभी जो है विंडोज रेडी नहीं हुआ है, अभी तक लैग कर रहा है। तो पावर और ये शट डाउन और इस हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया और देखते हैं कितना टाइम लेता है शट डाउन होने में।
डिस्प्ले तो ऑफ हो गया, लेकिन फ़िलहाल जो पीसी है अभी रन कर रहा है, और टाइम जो है लगभग 22 सेकंड लग गया। ओके, तो हम पॉज कर देते हैं। तो शट डाउन होने में जो है लगभग 22 सेकंड यहाँ पे टाइम लग गया। अब हम SSD में क्लोन करते हैं, और क्लोन कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्लोन करना है आपको। तो हम क्लोन करने के लिए यूज़ करेंगे इस टूल को, जिसका नाम है मिनीटूल पार्टीशन विज़ार्ड। इसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में सर्च करके। इसका जो ट्रायल वर्सन है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंस्टॉल करने का तरीका है कुछ इस तरह सा है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, सिंपल तरीका है। तो इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गया है, और ये इसका शॉर्टकट है। अब हम इसे लॉन्च करेंगे। ओके, यस। तो जो सॉफ्टवेयर के इंटरफेस है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो डिस्क का लिस्ट है वो शो हो जाएगा। ये हमारा 500 GB का हार्ड ड्राइव है, जिसमें फिलहाल विंडोज इंस्टॉल है, और इसका जो विंडोज है इसे हम, ये जो हमारा 250 GB का SSD है यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें क्लोन करेंगे। इसमें क्लोन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, मार्च OS टू SSD। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है कि आपका जो डिस्क वन, जिस हार्ड ड्राइव को आप क्लोन करेंगे, उसका जो सारा पार्टीशन है वो कॉपी हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो सिस्टम फाइल है, जो हमारा विंडोज़ है, उसी को हम कॉपी करेंगे। इसलिए हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो और भी पार्टीशन है उसे कॉपी नहीं करेगा, जो सिस्टम पार्टीशन है, जो विंडोज़ का जो पार्टीशन है वही कॉपी होगा। तब हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्क टू को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें हमारा विंडोज़ कॉपी होगा, यानी कि क्लोन होगा। तो हम इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शो आ रहा आपका, हमारा जो पार्टीशन है वो कुछ इस तरह का होगा, जो हमारा सिस्टम डिस्क होगा SSD, इस तरह का इंटरफेस होगा। तो हम अब इसके नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम फाइल है विंडोज़, यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो अप्लाई करने से ऐसा हो जाएगा। और ये जो डेटा का ड्राइव है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो विंडोज़ है इसको ही क्लोन करेंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो 500 GB है, ये भी हमारा एक स्टोरेज की तरह हमारा PC में रहेगा। तब हम इसे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। ये आपका PC का स्पीड पे डिपेंड करता है, लगभग आपका 20 मिनट टाइम लगेगा। तो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सक्सेसफुल का एक मैसेज मिल जाएगा आपको, और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन जो है क्लोन हो गया है। तो अब हम इसे रिस्टार्ट करेंगे। ओके, और रिस्टार्ट। तो यहाँ पे हम बूट मेनू में जाके हम SSD को सिलेक्ट कर लेंगे रिस्टार्ट होने के बाद। यहाँ पे हम कीबोर्ड से फिलहाल F12 दबा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्क 2 है उसे सिलेक्ट करेंगे SSD में, और ये हमारे SSD हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो ये अभी जो विंडोज़ है ये SSD से स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं। और इसके बाद हम इसका स्पीड टेस्ट भी करेंगे कि हार्ड ड्राइव के मुकाबले जो विंडोज़ है वो SSD में कितना टाइम लग रहा है लोड होने में।
तो हमारा पीसी जो है फिलहाल क्लोन होके रेडी है। ओके तो ये जो विंडोज है आप देख रहे हैं ये SSD से चल रहा है। तो हम इस सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करते हैं और कुछ काम है बाकी आप देख लीजिए। जो हमारा हार्ड ड्राइव पे जो विंडोज इंस्टॉल है उसे हम अब डिलीट करेंगे। तो ये है हमारा disk 2, यहाँ पे विंडोज का जो डिस्क है हम इसे डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके और ये जो स्पेस हो इसे हम एक और ड्राइव बना लेंगे जिसे हम एज ए स्टोरेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया एक पार्टीशन, आप मैंने अभी नाम नहीं डाला। ओके अप्लाई कर दिया तो हमारा जो पीसी है अभी रेडी हो चुका है। तो हम इसे क्वाइट कर देंगे और हम इसे एक बार ऑफ कर लेते हैं और देखते हैं कि टाइम कितना लगेगा स्टॉप वॉच ऑन करके के विंडोज स्टार्ट होने में। तभी हमने शट ऑन कर लिया है। तो फिलहाल जो है हमारा पीसी टोटल ऑफ है और हम इसे अब SSD से रन करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है विंडोज कम्प्लीटली स्टार्ट होने में। तो यहाँ पे मैंने पावर ऑन कर दिया, यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू। ओके हम डिस्प्ले पे आते हैं। ओके अभी जो है जो SSD है उससे विंडोज रन हो रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा विंडोज रेडी होने में। तो अभी हो रहा है तो लगभग 22 सेकेंड लग गया, लेकिन जो डिफरेंस है दोस्तों अभी यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे जो लैग हो रहा था ना, ऐसा लैग वैग कुछ भी नहीं है। शट डाउन करते हैं कि शट डाउन होने में कितना टाइम लग रहा है। स्टार्ट पावर और यहाँ पे हम करते हैं इसे शट डाउन। ओके मैंने क्लिक कर दिया, ये अभी शट डाउन हो रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। डिस्प्ले तो ऑफ हो जाता है और देखते हैं पूरा सिस्टम जो ऑफ हो रहा है इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो लगभग हमारा 12 सेकेंड में जो है कंप्लीट पीसी शट डाउन हो गया है। तो डिफरेंस जो है काफ़ी है। यहाँ पे सबसे जो बड़ा जो डिफरेंस है वो यूजेस में है। हमारा विंडोज स्टार्ट होने में 20 सेकेंड लग रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन जो लैग विंडोज हार्ड ड्राइव से जब स्टार्ट होने के बाद जो लैग हो रहा था ना वो नहीं है। यहाँ पर बहुत ही जल्दी जो है रेडी हो रहा है, बहुत जल्दी एकदम फटाफट। तो वीडियो उम्मीद करता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। और इस वीडियो के बारे में या इस SSD के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में या जो क्लोन किया है हमने इसके बारे में आपके अगर मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए। मैं आपका सवाल का जो जवाब है जल्दी देने का कोशिश करूँगा।